नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र आज फंसे हुए हैं। तो कल PM मोदी का एक बड़ा अजीब बयान सामने आया जो खुद उनकी सरकार के काम की पोल खोलता है। PM मोदी ने कहा कि आखिरकार हमारे देश के छात्रों को इतने बड़े पैमाने पर MBBS की पढ़ाई करने के लिए छोटे छोटे देशों में क्यों जाना पड़ता है। दोस्तों, वाकई ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमारे यहाँ क्यों MBBS की पढ़ाई घर में ही नहीं हो पाती, क्यों यूक्रेन और दूसरे देशों की तरफ हमारे देश के छात्रों को रुख करना पड़ता है। PM मोदी की ये चिंता वाकई जायज है, लेकिन ऐसा करेगा कौन? PM मोदी ने जिस तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों से गुहार लगाई वो सरकार की बेबसी को दिखाता है। और साथ ही जो देश में टैक्स पे करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स पे करें या फिर GST ही पे करें, आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए। ये काम सरकार का है, और अगर सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी से गुहार लगाए तो फिर सरकार की प्राथमिकताएं क्या है आप समझ सकते हैं। अगर मोदी सरकार ने या पूर्व की सरकारों ने इन चीजों पर ध्यान दिया होता, शिक्षा पर ध्यान दिया होता, तो मोदी जी को इस तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों से रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। लेकिन मोदी जी और बहुत सारे BJP नेताओं का कहना है कि 2014 से पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, अब कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या है? क्या मूर्तियां बनवाना आपकी प्राथमिकताएं हैं? मंदिर मस्जिद वाली राजनीति करना आपकी प्राथमिकताएं हैं? शिक्षा स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकताओं में शामिल क्यों नहीं है? अगर हम लोग टैक्स देते हैं तो उस टैक्स के पैसे से सरकार का दायित्व है शिक्षा का इंतजाम करना, ऐसी शिक्षा जो गरीब आदमी की पहुंच के अंदर हो। आप सोच कर देखिए कि चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, क्या आज गरीब का बच्चा डॉक्टर बन सकता है? बहुत सारे राज्यों में तो सरकारी कॉलेज की फीस भी गरीबों के बस की बाहर की बात है। तो PM मोदी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन सरकार कर क्या रही है अपने लिए? PM मोदी ने हजारों करोड़ का विमान खरीद लिया, सांसदों के लिए नया संसद भवन बन रहा है, हजारों करोड़ की मूर्तियां बन रही हैं, चाहे धार्मिक मूर्तियां हों चाहे राजनीतिक मूर्तियां हों। अच्छा नहीं होता कि सरदार पटेल के नाम से हम कोई ऐसी योजना लेकर आते जिससे छात्रों को लाभ होता। अच्छा नहीं होता कि सरदार पटेल के नाम से हम कोई ऐसी योजना लेकर आते जिससे गरीबों को लाभ होता। क्या मूर्तियां बनवाना ही इस देश में नेताओं का सम्मान है? ये एक बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों से, बल्कि टैक्स के पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए। ये सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे में टैलेंट है तो उसके पास डॉक्टर बनने का अवसर होना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले से PM मोदी गुहार लगाएं और वो मान जाएं अपनी फीस, जो शिक्षा का व्यापार है, जो शिक्षा का माफिया बन गया है, वो अपने मुनाफे की बजाय प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट मान लेंगे, उनका मन पिघल जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे प्रधानमंत्री की ऐसी रिक्वेस्ट सुनकर, और एक तरह से कायाकल्प हो जाएगा देश में शिक्षा का। ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा सतयुग आ गया है? ये एक बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार इस मामले में क्या कर सकती है। सरकार मूर्तियां बनवाने की बजाय आखिरकार मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ें और गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बन सकें, इसके लिए क्या करने जा रही है, इसका रोड मैप PM मोदी को खुद सामने रखना चाहिए, ना कि किसी से गुहार लगानी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।